भारत तैयार है भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए। भारत तैयार है दुनिया की आधुनिक जरूरतों के हिसाब से खुद को ढालने के लिए। भारत के पराक्रम और भारत की क्षमता का उदाहरण आपके सामने है। ऊर्जा के क्षेत्र में भारत ने विश्व के सामने एक और नजीर पेश की है। इंटरनेशनल हाइड्रो पावर एसोसिएशन यानी IHA के लंदन स्थित वैश्विक जल विद्युत व्यापार निकाय ने प्रकाशित की है 2020 पन बिजली स्थिति रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत दुनिया का पांचवां सबसे बड़ा पन बिजली उत्पादक देश बन गया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक पन बिजली परियोजनाओं की क्षमता 2019 में 1308 गीगावाट तक पहुंच गई है। इंटरनेशनल हाइड्रो पावर एसोसिएशन के अनुसार कनाडा, अमेरिका, ब्राजील और चीन के बाद भारत का कुल स्थापित आधार 50 गीगावाट है। भारत ने पन बिजली उत्पादन में जापान को पीछे छोड़ दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने जब पहली बार देश की बागडोर संभाली उस वक्त बिजली की हालत बेहद खराब थी और आज देश बिजली का निर्यात भी करने लगा है। देश की इस तरक्की के पीछे हाथ है उन योजनाओं का जिन्हें मोदी सरकार ने लागू किया। मोदी सरकार ने अपने ही सामने 2022 तक सौर और पवन बिजली क्षमता में 160 गीगावाट जोड़ने और 2030 तक गैर फॉसिल ईंधन स्रोतों से कुल क्षमता का 40% जोड़ने का लक्ष्य रखा है। 12 मई को 20 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज में 90,000 करोड़ रुपए का प्रावधान कर संकट में चल रही बिजली कंपनियों को भी संजीवनी देने का काम मोदी सरकार ने किया है।